कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। सो गाइज, मैं आया हूँ आज श्री तिरुपति ऑटो में, महिंद्रा के शोरूम में। एंड जो आज की गाड़ी होने वाली है हमारी रिव्यू के लिए, वो होने वाली है XUV300। ठीक है, सो इस गाड़ी के बारे में मैं पूरी आपको डिटेल्स दूंगा, पूरा आप लोगों को रिव्यू दूंगा एंड बताऊंगा इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं। जो फीचर्स मैं नहीं बताऊंगा वो आपके स्क्रीन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉग को पूरा देखना। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ भैया उसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग देख के चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा मत किया करो, बहुत मेहनत लगती है। साइड में बेल का ऑप्शन आ रहा होगा, वो भी दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर देना एंड इस बंदे को कहीं पहुंचा देना, मतलब ऊंचाइयों में अच्छे से पहुंचा देना। ठीक है, तो ब्लॉक तो सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले तो मैं सॉरी इसलिए बोलना चाहूँगा कि पीछे का ट्रैफिक नॉइज बहुत आएगा, क्योंकि मैं शोरूम के बाहर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ हेडलैम्प्स की। तो यहाँ पे आप लोगों को हाई बीम के लिए हेलोजन मिल जाता है, लो बीम के लिए आप लोगों को यहाँ प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको DRLs के ऑप्शन मिलते हैं। अगर ये आपको DRL फ्लोटिंग दिख रहा है तो ये फ्लोटिंग नहीं है, ये स्ट्रेट है, सीधा है, सही है। और ये मेरा कैमरा जो है वो फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को साइड इंडिकेटर्स दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को हेलोजन्स दिखा रहा है फॉग लैंप्स के लिए। अरे यार, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है क्रोम में कुछ इस टाइप की ग्रिल्स मिलती हैं, यहाँ पे आप लोगों को क्रोम की इस टाइप की ग्रिल्स मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, इस टाइप की पूरी गाड़ी मिलती है। ठीक है, एंड अगर हम लोग टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो टायर्स मिलते हैं वो ट्यूबलेस मिलते हैं। एंड अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 215/55 R17 डायमंड कट, डुअल टोन डायमंड कट में आप लोगों को यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी सस्पेंशन गाड़ी के डायमेंशंस आपके नीचे स्क्रीन में आ रहे होंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे साइड ORVMs की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं आपको ORVMs एंड इलेक्ट्रिकली आप अंदर से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम गाड़ी की पीछे से बात करें, गाड़ी कैसे दिखने में है, तो गाड़ी कुछ इस टाइप में दिखने में है। ये बैक लाइट जल नहीं है बट उजाला, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। रिफ्लेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आप लोगों को लाइट मिलती है। सेंसर की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे आपको सेंसर मिलते हैं। W8 ऑप्शनल वेरिएंट है ये, महिंद्रा का पीछे लोगो मिलता है। यहाँ पे आपको बैक वॉशर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे आप लोगों को बैक लाइट मिल जाती है, बैक में आपको डिफोगर मिल जाता है, यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप्स मिल जाता है। एंटीना की बात करें तो आपको नॉर्मली एंटीना मिलता है। ठीक है, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो कुछ गाड़ी इस टाइप की दिखती है। अगर हम लोग बूट खोलते हैं तो बूट गाड़ी का कुछ इस टाइप का है एंड आपके नीचे आ रहा होगा स्क्रीन के कि बूट कितने लीटर का है। ठीक है, साइड से कुछ गाड़ी ऐसे दिखती है। अगर हम लोग गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 42 लीटर्स का आपको फ्यूल कैपेसिटी आपको मिल जाता है। 42 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हो क्योंकि ये पेट्रोल है। ठीक है, और इसमें डीजल भी आता है। एंड हम फटाफट चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, आप लोगों को कुछ इस टाइप का व्यू दिख रहा होगा गाड़ी में। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर स्टिच स्टेयरिंग मिल जाती है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें हॉर्न की तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को यहाँ हॉर्न मिल जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पूरा इसके सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे सेंटर कंसोल में आपको पूरा जो डैशबोर्ड है आपका, इसमें AC वेंट्स 1, 2, 3 और 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ 7 इंच की हम लोगों को डिस्प्ले मिलती है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको होम, रेडियो, ठीक है, फ़ोन वॉल्यूम का, ठीक है, एंड यहाँ पे नेविगेशन डिस्प्ले एंड प्रोग्राम का ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी आपको टच है, ठीक है, टच का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है, होम पे जाते हैं, रेडियो, बाकी ये सब आपको यहाँ पे गाड़ी के मिल जाता है कि गाड़ी आपकी स्पीड में, ठीक है, और बाकी ये सब इसमें सिस्टम दिखा रहा है, गियर सिलेक्शन कैसा, एक्सेलरेशन कैसा, आइडलिंग कैसा, इसका सब आपका बताएगा कि आप गाड़ी कैसी ड्राइव कर रहे हो। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफॉगर्स के बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सीट बेल्ट का ऑप्शंस मिल जाता है, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का मिल जाता है। बाकी यहाँ से अगर इन बटन की बात करें तो ये आपकी MID को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपको सेट, ट्रिप,
और ये आपको जो स्टेयरिंग का जो भी है वो सब आपको बताता है, ठीक है। सेट ट्रिप का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ स्टेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम अप डाउन, फोन उठाना काटना, सीक, मोड के बटन्स मिल जाते हैं। इधर आप लोगों को पूरा आपका जो आपका क्रूज कंट्रोल होता है वो मिलता है, एंड यहाँ पे आपको वॉइस कमांड मिलता है। हाय, प्लीज से अ कमांड, ठीक है। तो ये मैडम बोलती हैं तो आप इनसे कमांड दे सकते हो, तो अभी हमें कमांड नहीं देना है तो हटा देते हैं इसको। बाकी अगर हम इधर से बात करें तो यहाँ से आप लोगों की पूरी हेडलाइट्स के कंट्रोल्स होते हैं, इधर से आप लोगों के वाइपर के कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। इसमें वाइपर्स के आपको ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अगर हम डैशबोर्ड की बात करें, प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, तो प्लास्टिक क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा इसमें आता है, ठीक है। इसमें 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स का ऑप्शंस मिलता है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइड इधर पैनल से बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपके ORVMs के मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने ORVMs को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटो का ऑप्शन मिलता है, ऑटो डाउन का ऑप्शन एंड ऑटो अप का ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे आपको बाकी साइड मिरर्स के और पीछे के मिरर्स के मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है इससे, ठीक है। ये आप लोगों के पीछे के मिरर्स लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। गाड़ी काफ़ी अच्छी खासी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। लोग इसे मार्केट में जब से आई है तब से इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली पूरा एसी का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को डिफॉगर, मेमोरी, ऑन ऑफ का, टेम्परेचर का, ठीक है, एयर वेंटिलेशन, डुअल मोड, ट्रिप टेम्परेचर, सारा ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर ठीक उसके नीचे की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक USB पोर्ट मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है, इधर भी USB पोर्ट मिल जाता है, इधर फास्ट चार्जिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप फोन रख सकते हो, नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। अगर हम लोग गियर नॉब की बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पर गाड़ी आ जाती है। आपको रिवर्स गियर लगाने के लिए सीधा इसको ये लीवर दिया है, इसको आप जैसे इधर करोगे तो भैया देख लो। Please select the parking mode if you need assistance. तो भाई साहब आपके बोलते हैं, बाकी आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो स्टेयरिंग आप जैसे मोड़ोगे तो आपका ये जो है लाइंस आपको बताएंगी कि गाड़ी कैसी आपको किधर पार्क करनी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, बाकी हम लोगों को मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार हटा के लगा दिया हमने। बाकी अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो आपका सबका फेवरेट, हम सब का फेवरेट आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो एडजस्टेबल नहीं है, मैं सिर्फ फिक्स है, ठीक है। बाकी कंफर्टेबल ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ बात करते हैं 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, बाकी इधर आपको थोड़ा बहुत सामान रखने की स्पेस मिल जाता है, 2 आगे आपको फ्रंट में कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाता है AC, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सामान रखने की स्पेस मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ की ग्लोव बॉक्स की बात करें, कूल ग्लोव बॉक्स मिलता है विथ लाइट के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सामान रखने की जगह मिल जाती है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, तो अंदर से आप थोड़ा देख सकते हो। बाकी इसमें फ्रंट में 2 एयर बैग्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। बाकी कितने एयर बैग्स हैं गाड़ी में वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। यहाँ पे भी एयर बैग्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। पीछे भी एयर बैग्स हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 4-6 एयर बैग्स आ जाते हैं इस गाड़ी में, ठीक है। एंड अब फटाफट से चलते हैं हम लोग पीछे, एंड पीछे चल के आपको बताते हैं ये कैसा है। पीछे चलने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना भूल गया, यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। जब मैंने आपको बताया कि गाड़ी जब आपको अब न्यूट्रल पे लगाओगे, सिग्नल पे खड़े होते हो, तो आप इस बटन को ऑन कर लो। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे करोगे तो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, एंड उसके बाद जैसे ही आप क्लच दबाते हो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पार्किंग के जो सेंसर्स हैं वो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको बीम सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब गाड़ी के पीछे चलते हैं, दिखाते हैं कि गाड़ी के पीछे कैसी है। इस पर तो गाइज आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को ये दिखाना भूल गया, सॉरी। तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि आप लोगों का जो ये जो आपको मीटर कंसोल है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 5,000 तक आप आराम से इस इंजन को खींच सकते हो, ठीक है, ओके। तो बाकी 6,000 से उसके बाद रेड है, बाकी पेट्रोल इंजन है इसलिए। एंड बीच में आपको MID मिल जाती है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ आपके इंडिकेशंस में दिख जाते हैं। 220 तक की स्पीड इसमें दिखा रहा है, बाकी टॉप स्पीड इसकी कितनी है वो चलाने में पता चलता है।
बाकी अगर हम बात करते हैं कि MID के कंट्रोल किधर से होगी, तो MID कंट्रोल होगी हमारी यहाँ से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अगर इसमें करोगे, ट्रिप करोगे, तो आपकी आ गई है, ठीक है, लॉन्ग राइड, ये टेम्परेचर दिखा रहा है, ये सेटिंग्स दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर और सब दिखा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को इंजन के जो हीटिंग है वो दिखा रहा है, यहाँ पे आपको फ्यूल का ऑप्शन दिखा रहा है, न्यूट्रल पे आपको गियर एयर सब दिखाएगा, ये नीचे आपको ओडोमीटर सब दिखाएगा। बाकी इधर हम लोग बात करें तो डे आपके जो टाइम है वो दिखा रहा है, बाकी आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिखा रहा है। आप चलते हैं गाड़ी के पीछे। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के पीछे, एंड गाड़ी के पीछे बैठने से सीट से आप लोगों को कुछ इस टाइप का व्यू पॉइंट दिख जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ से आप लोगों को कुछ इस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइट के स्विच के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से आप लोगों को सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग सनरूफ की बात करें तो सनरूफ भैया कुछ ऐसी है, तो भैया सनरूफ हमारी कुछ ऐसी है, ठीक है, एक क्लिक में बंद हो जाती है, बाकी आपको ये मैन्युअली बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर एक क्लिक दबाते हो तो आपकी एक क्लिक में पूरी सनरूफ खुल जाती है, ठीक है। तो बंद कर देते हैं सनरूफ को हम लोग, एंड इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। बाकी गाड़ी कुछ इस टाइप की दिखती है। अगर हम पीछे से सीट के कंफर्टेबल होने की बात करते हैं, तो मेरी हाइट 5'8" है, तो उस हिसाब से सीट पूरी पीछे है, मैं फिर भी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो लेदर में मिलती है सीट, फैब्रिक में मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे आप लोगों को रियर में भी आर्मरेस्ट मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो लाइट, यहाँ पे आपको LED का ऑप्शन नहीं मिलता है, नॉर्मल आपके जो बल्ब्स आते हैं वो उनका ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग टांग सकते हो अपना पुटहोल्स के लिए, आपको यहाँ से ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड अगर हम पीछे पार्सल ट्रे पीछे की बात करें, तो पार्सल ट्रे अभी लगी नहीं है, बाकी आपको कुछ इस टाइप से दिखता है पीछे का व्यू पॉइंट, ठीक है। एंड आई होप गाइज कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, मुझे बताना, कोई कमी बेसी रह गई हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और भैया अपने फैमिली फ्रेंड के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, एंड सब्सक्राइब कर लेना जरूर, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो यार, ये बहुत गलत करते हो। एंड हाँ, साइड में घंटी का बटन आ रहा है, उसको दबा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं आपको बढ़िया गाड़ी के साथ, ठीक है। लड़ा लड़ा बहुत जवान लड़खड़ाती है।